Hello everyone, today I am going to teach you about the detail format of report writing. In the very basics of report writing, the very first thing we have to write is an headline. Headline of every news article must be catchy and brief. So the two very main characteristics of headline of any article is it should be catchy. Catchy means it should attract the attention of reader, and it should be brief. In order to make it brief, you must leave all the small words like articles, preposition, and you can use abbreviations also. The second point being byline. Here we mean byline is by whom that article is written. So you have to write, suppose it is Nidhi Malhotra. So you have to write by Nidhi Malhotra. The line name on it is called byline because it tells by whom the article is written. After that, the third point is lead paragraph. A lead paragraph usually answers the question who, what, where, when and why. Remember to write about these in your lead paragraph. Aapko zarur likhna chahiye isme day, date and time of the day when that incident happened jiski aap reporting kar rahe hain. Name, names of the person, event, etc. that the news is about, place where the incident happened, details of the incident, reasons why the incident happened. तो ये सारी ही चीज़ें आपको लीड पैराग्राफ में लिखनी चाहिए कि दिन, तारीख, समय क्या है, कौन कौन से लोगों के नाम उस न्यूज़ का हिस्सा होने वाले हैं और किस जगह ये घटना घटी और उस इंसिडेंट के सारे डिटेलिंग्स और ऐसी कोई रीज़न जिसकी वजह से वो घटना घटी है. देन यू कैन राइट द सेकेंड पैराग्राफ. द सेकेंड पैराग्राफ शुड टेल द रीडर हाउ द इंसिडेंट हैपन इन अ वेरी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. तो स्टेप बाय स्टेप वो इंसिडेंट आखिर घटा कैसे, ये आप पैराग्राफ टू में लिखेंगे. और अगर आप चाहें तो पैराग्राफ थ्री भी ऐड कर सकते हैं. इसमें आप ऐड करेंगे आई विटनेस अकाउंट ऐड टू द ऑथेंटिसिटी ऑफ न्यूज़. अगर किसी ने वो घटना होती देखी हो तो उसके संबंध में भी आप तीसरे पैराग्राफ में लिख सकते हैं. ऑल्सो दे मे इंटरेस्ट द रीडर सम कोट्स फ्रॉम आई विटनेस कमेंट्स. ऑल्सो डिस्क्राइब व्हाट दे फील अबाउट दैट इंसिडेंट. तो लोगों को कैसा फील होता है उस इंसिडेंट के बारे में, ये भी वो बता सकते हैं. एंड द वेरी लास्ट पैराग्राफ विल कंटेन टू मेन थिंग्स. दैट इज यू हैव टू डिस्क्राइब द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन बींग प्लान्ड. यानी प्लानिंग क्या है इस बारे में आगे वो बतानी चाहिए. और दूसरी बात, रिमेंबर टू यूज सिंपल, क्लियर बट फॉर्मल लैंग्वेज. लैंग्वेज शुड नॉट बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड जंकी. इट शुड बी वेरी सिंपल, क्लियर एंड फॉर्मल सो दैट इट्स ईजली अंडरस्टूड बाय एनी वन हु रीड्स इट आउट. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द मेन हेडिंग्स ऑफ रिपोर्ट राइटिंग. आई होप दिस इज गोइंग टू बेनिफिट यू. बाय बाय फॉर नाउ.